आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इंडिया के बेस्ट जिम बेल्ट कौन से हैं। इसमें आपके वेलक्रो बेल्ट, प्रॉन्ग बेल्ट और लेवर बेल्ट तीनों ही आपको मिल जाएंगे, बट तीनों ही अलग अलग लोगों के लिए बनाए गए। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट मी एक्सप्लेन कि कौन सा आपको खरीदना है। भाई सबसे पहले कैटेगरी के साथ शुरू करते हैं जो होने वाला है बेल्ट फॉर अंकल्स एंड आंटीज एंड फॉर देम। आई डोंट थिंक आपको ऐसा हैवी ड्यूटी लेवर बेल्ट या फिर ऐसा एक प्रॉन्ग बेल्ट लेना चाहिए। आपके लिए जो बना है वो है ऐसे वेलक्रो बेल्ट, एक सस्ता वाला दिखाता हूँ और एक महंगा वाला दिखाता हूँ। तो ये है आपका सस्ता वेलक्रो बेल्ट जो आप कुछ इस तरीके से लगा देते हैं। इस बेल्ट का जो मेटीरियल है वो एवा फोम है, तो आप देखेंगे इसको प्रेस करेंगे तो काफ़ी नरम लगेगा। और इसका वेलक्रो ऐसे पीछे से आपको लगाना खोलना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा टीडियस हो जाता है और थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ये बेल्ट आपका 500 रुपए में आता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पैसे देके एक अच्छा प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं देन ये मैं आपको रेकमेंड करूंगा। ये है हैक एथलेटिक्स का वेलक्रो बेल्ट। इसका जो मेन स्टैंड आउट फीचर है कि इस बेल्ट में एक लॉकिंग मैकेनिज्म है। इस बेल्ट को अगर आप यहाँ से ऐसे निकाल देते हैं इवन विदाउट वेलक्रो लगाए हुए आपका बेल्ट आपके स्टमक पे टाइट रहेगा, खोलने के चांसेस एकदम नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक लॉकिंग मैकेनिज्म है। भाई ये सस्ते वाले बेल्ट में कोई लॉकिंग मैकेनिज्म नहीं होता, तो पूरा वेलक्रो के सहारे आप रहते हैं। ज्यादा फोर्स एग्जर्ट करोगे इस वेलक्रो पे तो वेलक्रो खुल सकता है, ओवर टाइम वेलक्रो लूज हो जाता है ऑफकोर्स। लेकिन हैक एथलेटिक्स के इस वेलक्रो बेल्ट के साथ वो इशू आपका कभी भी नहीं आएगा क्योंकि ये मेटल का लॉकिंग सिस्टम है, ये टूटने नहीं वाला है। हैक का जो ये पूरा बेल्ट है ये एक नाइलॉन मटेरियल से बना है, एवा फोम से नहीं बना है, तो इसका मेन बेनिफिट है कि ये सॉफ्ट नहीं होता और बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है, कंप्रेस नहीं होता, आपको बढ़िया स्टिफनेस ऑफर करेगा एंड प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। भाई इसलिए मैं बोलूँगा आपको थोड़े से ज़्यादा पैसे खर्च के ये बेल्ट लेना चाहिए, अराउंड 1500 का पड़ता है, ये 500 का पड़ता है। तो इस बेल्ट को मैं 6th स्पॉट देना चाहूँगा और इस बेल्ट को मैं 5th स्पॉट देना चाहूँगा। अभी यहाँ से पावर लिफ्टिंग के बेल्ट चालू हो जाते हैं, मैं आपको ये दो प्रॉन्ग बेल्ट दिखाना चाहूंगा। पहले सबसे पहले सबसे सस्ता प्रॉन्ग बेल्ट जो आप इंडिया में खरीद सकते हैं जो है ओरियन का प्रॉन्ग बेल्ट, जो अनफॉर्चुनेटली मैं आपको अभी बंद करके नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि ये अभी मुझे फिट नहीं आता, मेरा पेट काफी निकला हुआ है अभी, इसीलिए इसका थिकनेस ज्यादा नहीं है, इसका थिकनेस सिर्फ 6 mm है और इसका जो लेदर थिकनेस है वो और भी कम है, 4 mm लेदर थिकनेस होगा। बट अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है देन यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट विद दिस बेल्ट। ये वेलक्रो बेल्ट से आपको मच बेटर स्टेबिलिटी, बेटर स्टिफनेस ऑफर करेगा, बट हाँ इसको लॉन्ग टर्म सीरियसली यूज नहीं कर पाओगे अगर बहुत हैवी स्क्वाट करते हो तो। लेकिन एक्चुअली इसी कैटेगरी में एक बेल्ट ने मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस किया है जो है रोर फिट का प्रॉन्ग बेल्ट। इस बेल्ट के साथ रोर फिट ने एक एक्चुअली काफ़ी बढ़िया मैकेनिज्म डेवलप किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे दो हुक्स है, बेसिकली प्रॉन्ग बेल्ट में आता है, आप इनको कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगा देते हैं। ये चीज़ आप समझ लें, ये बेल्ट खोलना बहुत ज़्यादा इजी है। आप सिंपल यहाँ पे पकड़ के, ये जो एरिया है यहाँ पे पकड़ के सिंपल ऐसे पुल कीजिए और आपका बेल्ट खुल के आ जाएगा। मतलब प्रॉन्ग बेल्ट में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि बेल्ट लग तो जाता है बट खोलते समय भाई दम निकल जाता है, तो इसके साथ वो इशू आएगा ही नहीं आपका। ये जो क्विक रिलीज लेवर प्रॉफिट ने बनाया है एक्चुअली काफ़ी इंप्रेसिव है, एक्चुअली बेल्ट भी इनका काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये एक प्रॉपर 10 mm थिक बेल्ट है। ये आपको 1850 रुपये में मिल रहा है जो USI के जो प्रॉन्ग बेल्ट है उससे कम प्राइस है, लेकिन उसके जितना ही थिकनेस। तो USI पे 2500 खर्चने से बेटर है कि आप 1800 रुपए देके ये बेल्ट ले, क्योंकि इसका जो क्विक रिलीज प्रॉन्ग है भाई ये एक्चुअली बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अगर आप लेवर बेल्ट पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते देन 1800 रुपए में आपको एक बहुत ज्यादा बढ़िया प्रोडक्ट मिल रहा है। और अभी हम आ जाते हैं लेवर बेल्ट्स में। ये हैक एथलेटिक्स का 10 mm का लेवर बेल्ट जो 5000 कॉस्ट करता है और ये उनका 13 mm का लेवर बेल्ट जो 8500 कॉस्ट करता है। तो हैक एथलेटिक्स के इस लेवर बेल्ट के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको एक एडजस्टेबल लेवर मिलता है, आप इसको एक नॉर्मल प्रॉन्ग बेल्ट की तरह ही टाइट या फिर लूज कर सकते हैं, आपको कभी भी स्क्रू नहीं खोलना होगा। ये अगर ये मैंने एक टाइटनेस पर लगा दिया, अगर मुझे ये इंक्रीज करना है देन सिंपल मैं इन होल्स पर चला जाऊँगा और क्लोज कर दूंगा देन ये टाइट हो जाएगा। एंड बेल्ट के लेवर की क्वालिटी की बात करें, बेल्ट की क्वालिटी की बात करें, इसका मैंने एक पूरा डिटेल रिव्यू बनाया हुआ है तो वो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, बट ओवरऑल सब कुछ परफेक्ट है मुझे इस बेल्ट में। सच बताऊँ तो एक भी फ्लॉ नहीं लगा है, हैक ने सच में एक फ्लॉलेस प्रोडक्ट बनाया है भाई, रियली रियली इम्प्रेस विद द क्वालिटी। और यहाँ पे है हमारे हैक इसका 13 mm का लेवर बेल्ट, ये भी जैसे आप देख के समझ सकते हैं एक एडजस्टेबल लेवर डिजाइन के साथ ही आता है, बट जस्ट लुक एट द साइज ऑफ द लेवर, 10 mm बेल्ट के कंपेरिजन में 13 mm में लेवर कितना ज़्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से इसके लेवर के साथ आपको ये
पूरा ऐसे टक टक साउंड सुनने के लिए मिलता है। ये बेल्ट मैं बोलूंगा तो 10mm बेल्ट से ऑलमोस्ट डबल ज़्यादा स्टिफ है भाई। 10mm का बेल्ट भी काफ़ी स्टिफ है, बट यह बेल्ट कुछ अलग ही लेवल स्टिफनेस आपको ऑफर करता है। इस बेल्ट को मुझे यूज़ करते हुए आई गेस अराउंड 7-8 महीने हो चुके हैं। ये बेल्ट अभी भी सीधा नहीं होता, ये बेल्ट अभी भी ऐसे ही राउंड रहता है, इतना ज़्यादा स्टिफनेस है भाई। तो इस 10mm के हैक एथलेटिक्स लेवर बेल्ट को मैं सेकेंड स्पॉट देना चाहूँगा और इस 13mm हैक एथलेटिक्स के लेवर बेल्ट को मैं फर्स्ट स्पॉट देना चाहूँगा भाई। अगर आपको लेवर बेल्ट लेना है 5000 में यह बेस्ट है और 8500 में यह बेस्ट है। इससे ज़्यादा पैसे खर्च करके आपको एक बेटर प्रोडक्ट आई डोंट थिंक मिलने वाला है। अभी अगर आपको इनमें से कोई भी बेल्ट खरीदना है देन आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, इन सभी को मैं लिंक कर दूंगा। और अगर इनमें से किसी का भी एक इंडिविजुअल रिव्यू देखना है, किसी भी प्रोडक्ट का एक डिटेल रिव्यू देखना है, देन जाके इस प्लेलिस्ट को देख सकते हो या वहाँ पे मैंने इन सभी बेल्ट को डिटेल में रिव्यू किया है। और हाँ भाई, मैं लेवर बेल्ट्स के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, टॉप 5 लेवर बेल्ट्स इन इंडिया। उस वीडियो के लिए भी रेडी रहना, 1-2 महीने के अंदर आ जाना चाहिए। चलिए आज के लिए बाय बाय।